कराची में प्लेन क्रैश की तस्वीरें देखकर दुनिया दहल गई। लैंडिंग से ठीक पहले रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ विमान। कराची के जिन्ना गार्डन में क्रैश होते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। हर तरफ काले धुएं के गुबार, हर तरफ तबाही का मंजर। लाहौर से कराची जा रहे विमान में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे के बाद भी धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ साफ देख पाना मुश्किल साबित हो रहा था। ईद के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू की गई थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ वहां लोगों के मकान थे, घर के अंदर लोग थे। सोचिए ये विमान जब इमारतों पर गिरा होगा तो वहां कैसा मंजर रहा होगा। क्या होगा इन घरों में मौजूद लोगों का, जिन्हें पता ही नहीं था कि आसमान से अचानक आफत आने वाली है, और आफत भी ऐसी जो अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे के समय पायलट ने इंजन में खराबी की सूचना दी थी, लेकिन हादसे को रोका नहीं जा सका। धीरे धीरे धुआं कुछ साफ हुआ तो तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। हर तरफ मकान और गाड़ियों के परखच्चे दिखाई दे रहे हैं। चैनल नॉलेज पिलर में अगर आप हमारे चैनल पर नए